नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सदन के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था और आज भी सदन में बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। सपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने बॉलीवुड को ड्रग्स के नाम से बदनाम करने पर और अहम मुद्दों से ध्यान हटाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सदन में क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस संकट के बीच सदन का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में ड्रग्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझकर बदनाम करने की बात कही, जिस पर पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा है। जया बच्चन ने ये भी कहा कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ खराब लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को खराब नहीं कर सकते। तो वहीं भाजपा सांसद रवि किशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही है। ये शर्म की बात है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सरकार को इंडस्ट्री के समर्थन में जरूर आना चाहिए। बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्यसभा चलेगी। वहीं सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को राज्यसभा पहली शिफ्ट में जबकि लोकसभा दूसरी शिफ्ट में चली थी। इस दौरान LAC पर चीन से निपटने के तरीके, कोरोना की स्थिति, अर्थव्यवस्था में गिरावट और बेरोजगारी को मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।